तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है झारखंड के रांची से कि आदिवासियों ने यूसीसी के खिलाफ दिया धरना, का इसके लागू हो जाने से हमारे अधिकारों का होगा हनन। चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी इसको लेकर किया गया है। रांची में आदिवासी अधिकार मंच के बैनर तले आदिवासी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासियों ने यूसीसी लागू हो जाने से आदिवासियों के सामने आने वाली परेशानियों पर चिंता व्यक्त की। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री यहां पर गीता श्री ओराव भी मौजूद थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करना भाजपा के चुनावी एजेंडे में शामिल है। जब भी चुनाव की बारी आती है यह मुद्दा गर्म हो जाता है और एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। अगर केंद्र सरकार यूसीसी लागू करती है तो यह आदिवासियों के विशेष अधिकारों का हनन होगा। आदिवासियों को संविधान में विशेष यहां पर अधिकार मिला है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आदिवासियों की शादी नहीं होती है। संबंध विच्छेद में भी अलग तरीका अपनाया जाता है। हमारे यहां सामाजिक तौर पर इसका निपटारा होता है। अगर यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का निसरत यहाँ पर विशेष अधिकार जो है वो खत्म होगा, बल्कि हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। वही एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि आदिवासियों में जल, जंगल, जमीन और परंपरा उनकी विरासत है। यूसीसी लागू कर यहाँ पर केंद्र सरकार आदिवासियों का हक नहीं छीन सकती। यह हमारे अधिकार की लड़ाई है। हम किसी भी कीमत में इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने से भारतीय विधि आयोग द्वारा सुझाव और विचार मांगा जा रहा है। ऐसे में आदिवासी अधिकार रक्षा मंच का कहना है यूसीसी आदिवासी समुदाय को दिए गए विशेष अधिकारों का हनन है। तो इस तरीके से ये बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड सरकार को भी इस बारे में चिंता करना चाहिए और यह वाकई में चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इससे आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो सकता है। जोहार।